ना मुमकिन, बिल्कुल ना मुमकिन, आउट ऑफ क्वेश्चन। बड़े साहब, चंद घंटों के लिए? हर किस नहीं, लेकिन आपको अपना काम ही चाहिए ना। मुझे कल सुबह तक मुकम्मल फेरिस चाहिए, समझे? जी समझ गया। हाँ। मैं बड़े साहब, अर्ज ये है कि मेरा अर्ज ये है कि बड़े साहब, अर्ज ये है कि ये लो पढ़ो, शर्त नंबर 5 पढ़ो, जोर से पढ़ो। ठीक है जी, रख लीजिए। क्या लिखा है? इस अरसे में 1 मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। समझे, अब काम करो। जरा एहतियात से, ये किताबें बहुत नाजुक होती हैं। ये दरवाजे की तरफ क्या घूम रहे हो? जी सुनो मिया, यूं ही अंधाधुंध हमकों की तरह फेरिस्त बनाकर न रख देना। तमाम कलमी नुस्खों की फेरिस्त अलग बनेगी और इन्हें बहुत एहतियात से ऊपर के शेल्फ में लगा देना। सुन रहे हो? कुछ आ रहा है अकल में? जी मैं समझ गया। तुम क्या समझोगे, नाहिल किस्म के, नामाकूल किस्म के, सबीन अभी तक नहीं आई। कोई काम नहीं कर सकती ये लड़कियां सिवाय वक्त जाये करने के। पूरे 7 मिनट हो चुके हैं, देखा तुमने? जी हाँ। क्या जी हाँ? यही जो आप कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नई नस्ल है, तुम्हारी नस्ल, ये क्या करेगी? पता नहीं क्या करेगी जी। पता नहीं क्या करेगी, न काम की अहलियत, न वक्त की कीमत का अंदाजा। खुदा जाने क्या होगा इनका। जी हाँ, वाकई इन लड़कियों का तो मसला ही बनता जा रहा है। पता नहीं पराए घर जाके क्या करेंगे। क्या क्या? खबरदार, जो पराए घर के मामलात में मुदाखलत की, काम करो काम। दादा बंदर है? जी हमेशा से, उस वक्त भी थे जब आप आई थी और गई थी, यूं यूं। दादा अब्बा, मैं आ गई हूँ। बस बस साहबजादी, कयामत के दिन सूर फूकने का काम आपको नहीं सौंपा जाएगा। जी हाँ, और भी काम होंगे, मसलन रूह कब्ज करने का। तुम चुप रहो जी, काम करो। मैंने आपको कितने मिनट पहले बुलाया था? 8.5 मिनट पहले। 8.5 मिनट की कीमत का अंदाजा कर सकती हैं आप? जी जी नहीं। जी नहीं, मुझे मालूम था कुछ नहीं कर सकती। तो 2-4 काम तो कर सकती है, मसलन के। फिर बोले तुम, काम में दिल लगाया करो। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि दिल लग जाए, मगर आप भी लगाए, यहाँ बैठे और किताबों की फेरिस्त की तैयारी में इनकी मदद करें। मुझे कल सुबह तक पूरी फेरिस्त चाहिए, समझ गई? लाजिमी। हाँ, ये कलम ले लीजिए और ये कागज है, आइए। दादा पर मैं, कोई बहाना नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई रियायत नहीं, बैठ जाए, बैठें और अभी फेरिस्त तैयार करें, बैठ जाए। आप फिक्र ना करें, ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी है। आप ऐसे कीजिए कि आप नाम बोलते जाइए और मैं लिखता जाऊंगा, आप आराम से तो बैठ जाइए। अरे अरे अरे, ये कलमी नुस्खे हैं मिस साहिबा, कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं है। आप इन किताबों की कीमत का अंदाजा कर सकती? एक एक किताब हजारों की है, जरा संभाल के उठाइए। मुझे अच्छी तरह इनकी कीमत मालूम है। तब तो और भी बुरी बात है, आप रहने दें, ये आपके बस का काम नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। आप तो ऐसा कीजिए, यहाँ ही बैठी रही मेरे पास। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, एक बात कहूँ मैं साहबा। क्या? मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों, तुम्हें छुट्टी का क्या करना है? कमाल है, यानी मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे छुट्टी का कुछ करना ही नहीं। वाह, मुआहदे में ये नहीं था? अजी मुआहदे में तो ये भी नहीं था कि अगर मर जाऊं तो दफन कर दीजिएगा,
तो क्या मेरी लाश को उठाए बैठी रहेंगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या आपसे कुछ बईद भी नहीं है मिस साहिबा, मम्मी बना लेंगी। ये भी कोई किस्मत का हमारा सेक्रेटरी तो नहीं था? अरे खादिम, मैं ज्यादा बातें पसंद नहीं करती हूँ, समझे तुम? ठीक करती है, बात मुख्तसर ही होनी चाहिए, हाँ या नहीं में। क्या? क्यों मिस साहिबा? तुम्हारा अरे अजीब दिमाग है तुम्हारा। ये काम हो रहा है? इस किस्म का काम करने को कहा था मैंने? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, न सिर्फ निकम्मे हो बल्कि 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 हाँ यार जमाली भाई, आपने भी खैरियत की हद कर दी। ईमान से जब मुझे पता चला कि आप घंटे भर से गेट पे खड़े हैं तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मैं अंदर नहीं आ सकता। यहाँ इस दरवाजे पर मेरी अना मजरूह हुई है, मेरी खुददारी को ठेस लगी है, मेरा दिल टूटा है। कोई बात नहीं है, दिल टूटे आपकी दुश्मनों के, समझे आप? आइए इधर आइए, आराम से माशाल्लाह। खुदा की कसम जमाली भाई, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे। मेरी हिम्मतों की पस्ती, मेरे शौक की बुलंदी, मेरी तकदीर मुझे ये दिन दिखाएगी। मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, और ये हौसला भी बड़ी बात है कि शिकस्त के बाद दूसरों को इल्जाम नारसाई ना दूं। हाय हाय करीम, ओ करीम बाबू, जल्दी से दो चाय लिया गरम गरम। कायल कर रहे हैं आप? अरे बाबू कैसी नारसाई, कहां की तकदीर, आप जैसा अजीम आदमी और एक ही झटके में सर टेकते। हाय 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 खुदा की कसम जमाली भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से मोहब्बत की तौहीन करेंगे। अरे आपने ये भी ना सोचा कि दूसरों पे क्या गुजरेगी? क्या? हाँ क्या कहा तुमने? अरे मैं क्या कहूंगा, आप बैठे यहाँ सोग मनाते रहिए, मेरी अना टूट गई, मेरी खुददारी फूट गई। अब तुम मेरी बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? खादिम भैया, वो अक्का बुआ कह रही है कि आज किसी को चार राय नहीं मिलेगी, और कह रही है कि उन्होंने कोई होटल नहीं खोला है दुनिया भर के लुच्चे लफंगों के लिए। आप चवन्नी दे दें तो मैं बाहर से ला दूं, नुक्कड़ पे चाय की दुकान खुली। और जो कल चवन्नी दी थी उसका क्या किया? अजी कल की बात और थी, आज नहीं खोएगी। और एक दोनी और दे दे तो मैं भी दो बूंद हलक में टपका लूं। क्या ईमान से उधार दे दीजिए, तनख्वाह में लौटा दूंगा। चल तू तो खमखई फजूल बातें करता है, सारी रकम चल ये ले, जल्दी से लेके आइयो। उन्होंने मेरी तौहीन की, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हल्दी चूना लगवा कर फिर सुबह आ जाइए। आखिर कब तक धक्के देंगे? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं टूट गया हूं। टूट गए, टूट जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बात सुनिए आपकी, ये जो बड़े साहब है ना, ये बड़े अजीब और गरीब आदमी है, आप नहीं जानते इनको। आज सुबह मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो लड़का आया था ये कौन था, बड़ा समझदार लग रहा था मुझे। हाँ हाँ मुझे कह रहे थे, आपको कह रहे थे। अब देखिए उन्हें एहसास हुआ कि नहीं आपकी समझदारी का, कहिए। किस बात से? किस बात से ये तो मैं खुद नहीं जानता किस बात से हुआ, मगर आखिर हुआ ना, इंप्रेशन तो पड़ा ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बस रहने दें। मौत मेरे बस में होती तो खुदा की कसम मैं। अरे कहाँ आप इन चक्करों में पड़ेंगे, ये आपकी बस की बात नहीं है, वो और होते हैं जो ये कर गुजरते हैं। लिल्ला के वास्ते भाई साहब, आप तो सिर्फ इतनी कोशिश कीजिए कि बड़े साहब को राजी कर लें। मैं मगर दोबारा? दोबारा क्या मतलब, 10 दफा करना पड़े 10 दफा कीजिए, अरे 50 दफा करना पड़े 50 दफा कीजिए। सबीन कहाँ है? जहन्नुम में डालिए सबीन को। माफ कीजिएगा जरा जबान फिसल गई। भाई साहब मेरे कहने का मकसद यह है कि आप अपनी फिक्र कीजिए, मुझे तो ये डर है कि आप इस तरह से सिगरेट फूक फूक के आए हैं भर भर के ना रह जाए, और वो जो है ना वो इधर से उधर ना हो जाए, समझे आप? लड़कियों का कोई एतबार नहीं है। खुदा वो वक्त ना लाए इससे पहले मैं मेरी आंखें बेनूर हो जाए, मैं अपनी मोहब्बत के जनाजे पर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा के वास्ते मुझे खुद ज्यादा जनाजों का तजुर्बा नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी जीने की बात करें। जीने की? हाँ। मैंने सोचा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हो। वाह 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 वाह, आप बैठे यहाँ मुशायरे करते रहिए, दाद वसूल करते रहिए, मुझसे नहीं हो सकती आपकी ये मदद। हाँ तुम मेरी मदद करोगे? इतनी देर से क्या मैं झक मार रहा हूं? तो फिर तुम मुझे वो रास्ता क्यों नहीं दिखाते जो मेरी मंजिल तक जाता है, वो कुंजी क्यों नहीं लाते जो मेरे चमनिस्तान हयात का कुफल खोल सके, वो पैगाम क्यों नहीं लाते जो मेरी बहारों का अमीन हो। मैं कहां से लेके आऊं,
ये सारी चीजें तो पड़ी हैं बड़ी साहब की जेब में, आप इन्हें क्यों नहीं राजी कर लेते? ले आइए उनकी जेब से निकाल के ये कुंजियां, रास्ते, चिराग, अला बला सारी चीजें निकाल लाइए। मगर वो, अरे सुनिए आप मेरी बात, आप पहले ये बताइए कि आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं है ना, तो किस्सा खत्म, छुट्टी हुई, काय का सारा लेना था? मैंने ये कब कहा, मुझे तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, पहचानता नहीं हूं अभी राह भर को मैं। तो कब पहचानेंगे, जब उनकी बारात रुखसत हो जाएगी, जब ढोल बाजा बजने लगेगा। हाय हाय, कमाल है कमाल है। अरे हुजूरे वाले, आप आखिर इतना तो कर सकते हैं कि बड़े साहब के शौक का कोई तोहफा ले आए? अरे खुदा की कसम बेहद खुश होंगे। अरे मेरा मतलब है कोई कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई पत्थर, कोई नक्श, कोई तस्वीर, बातें खुश हो जाएंगे, ऐसे वैसे खुश होंगे, गले लगा लेंगे बढ़कर, सारी खताएं बख्श देंगे। मगर जमाली भाई एक बात है कि ये सारा काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, वरना आपको पता नहीं है लोग बात को गलत रंग दे देते हैं, है ना? हाँ हाँ खादिम, तुम फरिश्ता हो, खिज्र राह हो, उम्मीदों का चिराग हो। चराग बाद में जलाइएगा, जल्दी पी लीजिए, बड़ी कड़क चाय है। कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो अच्छी मुसीबत है बस क्या वहां से चीजू, मैंने लाख दफा कोशिश की मगर वो एक मिनट की छुट्टी देने को तैयार नहीं है। भाई साहब कोई कोशिश वोशिश नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना खुदा की कसम नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे, समझे? तो मैं किस तरह से चला जाऊं, नौकरी का मामला तुम्हें रोक नहीं सकते उन्हें? जी नहीं, मैं माफी चाहता हूं, वो मेरे लाइन की चीज नहीं है। खुदा की कसम शहर की जितनी बेतुकी लड़कियां थी ना, वो सब आपके हिस्से में आई हैं। गोली मारो यार नौकरी को, अब वो लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ईमान से कहता हूँ रिफत तो ये समझ रही है कि मैंने आपको कत्ल करके कहीं रफा दफा कर दिया, जोर किस पे हुआ, रफा दफा पे ऐसे ऐसे सवालात करती है कि क्या बताऊं। इतनी अहमक भी नहीं है, माफ कीजिएगा, वैसे कत्ल तो आप हो ही चुके हैं लेकिन जरा दूसरे तरीके से। हिमाकत की बातें मत क्या करो शेजू, मैं हिमाकत की बातें सुनो, मेरी बात सुनो पहले। जी सुनाइए। तुम फौरन घर चले जाओ, सुने? मैं नहीं जाता घर पर, पुलिस में इत्तला कर रही है, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, रेडियो टेलीविजन पे इश्तेहार आएंगे, जब पता चलेगा आपको। जी हरगिज़ नहीं हो सकता जी, ईमान से अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा ही होगा। अब तो उल्टी सीधी हरकतें आप करते फिरे और मुफ्त में मैं मारा जाऊं, वाह वाह वाह, जोर किस पे हुआ, वाह 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 पे। तुम जोर ही लगाते रहना। जी हाँ, इधर आओ, हैं? इधर आओ। जी वेरी गुड, तो ये हुई ना अकल की बात, अरे पहले से क्यों नहीं बता दिया? तो ऐसा करो, रात में तैयार रहना, मैं एक दोस्त की कार लेकर आऊंगा, ठीक है? अपन लोग चले चले, आहिस्ता मैं तू वो। अस्सलाम वालेकुम। आई आई, मेरा ख्याल है खुर्रम, मैं चलता हूँ, इजाजत दो है। मैं शुजा को गेट तक छोड़ा जी, आप लोग बैठिए। कुछ देखा बेटी? अब तो नजर आ गया कि अभी ने क्या? अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, वही मसले के कमबख्त कैसे चुपके चुपके बातें कर रहे थे। कर रहे होंगे। अरे तुम चली कहाँ? कर रहे होंगे, अगर बात ही कर रहे थे तो हमें देख कर दम क्यों निकल गया, क्यों फक हो गया? अरे मैं कह दूं ये बहुत बड़ी कोई साजिश है, तुम मानो या ना मानो। कभी आप तो खामखा कर बातें कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। अरे तो बातों करने की हमें फिक्र क्यों ना हो, गला तो मेरा कटेगा ना, तब पता चलेगा। मैं पुलिस को क्यों ना खबर कर देती? अरे पुलिस को क्या बताऊं, ये बताऊं कि चुपके चुपके दो आदमी बातें कर रहे थे, पकड़ के ले जाओ। ये उनकी मर्जी है, वो पकड़े जेल में डाल दें, हथकड़ियां पहनाएं, जो चाहे करें। अब इतनी सी बात तुम्हारी समझ में ना आती? मेरे समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ आए है, उल्लू की लकड़ी फेर दिए इसने तुम पर भी, गज़ब खुदा का, ना दादा की समझ में आए ना पोती की समझ में आए, वो घर में बैठ के साजिशें करे हैं, लूट मार के मनसूबे बनावे हैं और यहाँ किसी के कान पर जूं तक ना रेंगे हैं। अरे देख लेना, वो तो एक ही बार में सबको ठंडा कर देंगे और साफ कर देंगे घर। अरे अक्का बुआ, किसकी हिम्मत है कि मेरे होते हुए यहाँ कदम रखे? जा जा, तू तो टिड्डे की तरह उछलता रह जाएगा शेखी खोरे। ईमान से मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई आए तो सही, खुदा की कसम मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। अरे तू इकला उन्हें रोक लेगा? तेरी बुंदा सी लाश को फलांगने के लिए कौन से पुल बनवाना पड़ेगा? अजी मुझे कौन फलांग सकता है, बुलाइए जरा, अभी पट 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 रखकर रख दूंगा। अरे तुम क्यों फजूल बातें किया करते हो अक्का भी से? अजी मैं क्या कर रहा हूँ, अक्का भी कर रही है, इन्हें कोई मारने आ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम। अरे मरे तू और तेरे होते सोते जबान के आगे खंदक है कमबख्त। लो, अरे जो मुंह में आए बके चला जावे, जूते खाने का इरादा है। अजी आप ही तो कह रही है। देख तू मेरे बीच में ना बोला कर, मेरे कलेजे में वैसे आग लगी हुई है, न जाने क्या होने वाला है। अरे ना कोई देखने वाला,
ना कोई सुनने वाला, जिस दिन मैं ना रहूंगी उस दिन पता चलेगा। वो दिन कब आएगा? खैर तो सही, दो कौड़ी की तेरी औकात। नन्नी नन्नी दरवाजा खोलो ना, नन्नी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कौन है? मैं हूँ कि देख कर दरवाजा पीट रही हूँ, खोलो ना। क्या कभी क्या रात को भी वो जा रहा है, घर साफ हो गया, मेरी कौन सुने था, आखिर नतीजा देख लिया ना। कौन क्या कह रहे हैं? हाय जाने क्या क्या माल लिए जा रहे हैं। नन्नी देख तो सही, अलमारियों में कुछ बचा भी के सभी खत्म हो गया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी आंखों से देखा है, चुपचाप बाहर जा रहे था, बराबर सूट के साथ में था। अरे कौन सा रोकने वाला भी तो ना निकला। अब मैं बड़ी बेगम को क्यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी। क्या कह रही है आप, कौन जा रहा है? अरे और कौन जाएगा, वही नमक खराब खादिम। खादिम? हाँ मैं देखती हूँ। नन्नी 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 नन्नी, अरे तुझे मेरी जान की कसम, जो तू बाहर गई, अरे इसके पास पिस्तौल रह गए हैं। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, छोड़िए मुझे। अरे तेरे रोके से क्या वो रुक जाएगा, बस जान का सदका था बेटी जो गया। अरे नन्नी रोको ना इसे, जब बाहर गई है वो कमबख्त मार डालेगा मेरी बच्ची को, उसके तो मुंह को खून लग गया है। कौन? सबीन को? हाँ हाँ चलो ना जल्दी रोको उसे। तुमने इतनी देर लगा दी, देर की तुम कितने अहमक आदमी हो। तुम गाड़ी से यहाँ दरवाजे पे लेके आ गए, बस को लगा उन लोगों को देख लिया, तो इश्क में अंधा होना जरूर सुना था। देखा आज क्या मतलब है तुम्हारा, इतने बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे थे, इतने बड़े बड़े जोर किस पे, वो बड़े बड़े पे। अरे जोर छोड़ो, तुम यहाँ से निकलो, जल्दी यार। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मेरे दोस्त मिले, मेरे दोस्त अमजद कीजिएगा, इन्हीं की वजह से आज गाड़ी मिली आपको। शुक्रिया, जल्दी करें शुरू, आपको देख लेंगे यार। ये क्या था? कमबख्त नमक हराम। अरे वही मसल है कि चिड़िया चुग गए खेत, अब क्या होगा क्या होगा। अक्का भी शोर मत मचाइए। शोर न मचाऊं तो क्या तालियां बजाऊं, ढोल बजाऊं? तुम ही लोगों ने ये दिन दिखाया है, विस्ना मुराद को सिर पर बिठा रखा था, अब देखे सरकार दूल्हा। अरे चोर डाकू भी नमक हरामी करते वक्त कुछ शर्मावे हैं। देखिए अक्का भी, अगर उसने चोरी नहीं की तो आप ज्यादती कर रही हैं, और अगर वाकई उसने चोरी की है तो शोर मचाना फजूल है। सबीन आ। और वो मुआफीम ची कहां गया शेखी खोरा, घर का घर लूट गया और वो मुर्दों की तरह पड़ा सोवे है। दादा अच्छा जल्दी आ जाना है। ओके वैसे तुम इत्मीनान से आ जाओ, हमारी बैठे हैं थोड़ी देर। कुछ खाओगे क्या? कुछ भी चिप्स वगैरह। ऐसा करो दो कॉफी और कुछ चिप्स ले आओ, ठीक है? शज्जू ये कहते हो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की क्या जरूरत है? माय डियर आप क्यों घबरा रहे हैं यार, भाई प्लेन जाने में भी बहुत देर है, मैंने सोचा इतनी देर जरा कॉफी वगैरह पी ले। शज्जू क्या वाकई वो लोग देख रहे थे? वो लोगों से क्या मुराद है आपकी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सभी देख रही थी कि नहीं? चलो यूं ही सही। क्यों जलील और खार हो रहा हो यार, एक छटाक भर लड़की के पीछे जोर किस पे, वो छटाक पर।
खुदा की कसम तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। तुम मेरी फिक्र मत किया करो। फिक्र कैसे ना करूं, गर्दन तो मेरी पकड़ी जा रही है ना मुफ्त में। ले लीजिए पकड़िए। कहते फिक्र ना करो बस। थैंक यू यार, मेरी तो अच्छी मुसीबत है खुदा की कसम। यानी इश्क आप करते फिर उठपटांग लड़कियों से और मुफ्त में मैं मारा जाऊं। वाह 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 वाह, जोर किस पे हुआ? वाह 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 पे। खुर्रम खुदा की कसम अभी घर तक नहीं जा सका रुपया और वो कपड़े वगैरह लेने के लिए, सिवाय वो इस वजह से कि वो आंटी और रिफत के खौफ से। मैं कहता हूँ ये तुमने रफत क्यों लटका रखी है बीच में? एक तरफ का हिसाब साफ करके दूसरी तरफ अकाउंट खोलो ना। बस बक चुके जी? नहीं अभी और बकना बाकी है। खुदा की कसम भरा बैठा हूँ, जिंदगी अजाब हो गई मेरी। तो कह दिया करो कि मेरा मामला नहीं है। अरे तो फिर आपका कौन सा मामला है? खामखा उनको देखा आपने, जमाली साहब को? खुदा की कसम यहाँ तक गर्क है वो साहबजादी उनके उसमें मफलत हुई। तो रहने दो, निकाल लूंगा मैं जी। खुदा की कसम आपकी जगह अगर मैं होता ना तो ऐसी ऐसी 10 लड़कियां अभी तक वो जान ईमान बार चुकी होती। वाकई आजमाइश शर्त है। चलिए ये भी देख लेंगे। कैसी भी लड़की हो मुतासर कर लोगे, ईमान ले आएगी तुम पर? शर्तिया अरे लड़की तो लड़की, लड़कियों की खालाएं तक ईमान ले आएंगी। जोर किस पे हुआ? खालाओं पर। वो तो जरा मैं खुद ही कम गर्क होता हूँ। वरना शर्त लगाते हैं आप? शर्त? अच्छा ये बताओ कि लड़की कौन है? सभी जी नहीं, अपना हिसाब किताब मैं अपने पास ही रखता हूँ। थैंक यू। चलो कोई भी सही, लड़की बताओ। सायरा बाजी। सायरा? जोर किस पे हुआ? पे। सायरा। जोर किस पे हुआ? जोर दिन पे हुआ। दीजिए। बोलिए जनाब। कीप द चेंज प्लीज। कहिए यार। सायरा बाजी सायरा, काम जरा मुश्किल है प्यारे, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? मंजूर मंजूर मिला हुआ। शर्त लगाते हैं? शर्त लगाता हूँ। मंजूर। जोर किसका हुआ? मंजूर मंजूर। चलो यार क्या हो गया? अरे यार मान रहे क्या कोई दोस्त मिल चले। बहरहाल अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। उफ़ो, यकीन मानी मामी इतना सब कुछ समझाने के बावजूद प्लीज। अरे भाई तो तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम यूं मारे मारे फिर रहे हो? देखो बेटे सेहत है तो सब कुछ है। सर अपनी हालत तो देखो क्या बना रखी है। मेरी हालत बिल्कुल ठीक ठाक है। चाय और लीजिए, गरम मंगवाऊं? नहीं बस ये ठीक है, थैंक यू। वाह मादम। वैसे मेरा ख्याल ये, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सभी खिला देंगी, कुछ दूसरे वक्त के लिए रख छोड़ी। मैं आपको खिला पिला नहीं रही हूँ जी, मैं सबके सामने खाता भी नहीं हूँ, नजर लग जाती है। ओ भाई खुदा के वास्ते बाद में खा लेना, बाद में ठूस लेना नदीदे। जोर किस पे हुआ? नदीदे पे। मान से सारी जिंदगी पड़ी खाते रहना, बहुत से काम करने, चलिए बाहर निकलिए। तो एक मिनट को मेरा खाना नहीं देख सकता? अच्छा बाबू चलते हैं चलते। मम्मी प्लीज आप ऐसा कीजिए कि वो जो अफजल है ना रिफत, आप जरा कह दीजिएगा उससे कि मेरे नाने का पानी तैयार कर दे, मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे जूते वगैरह सब निकाल के बाहर रख दे, और हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। क्या ख्याल है? चलिए चलिए। बिल्कुल क्यों नहीं। बकौल जमाली साहब, ये आलम शाह का देखा ना जाए। ये तुम लोग जो ऊट पटांग बातें करते हो ना, इससे मुझे और घबराहट हो रही है। क्या सोचा है तुमने? मम्मी आप तो खामखा परेशान हो रही है। मैंने शज्जू से कहला जो दिया था, यकीन मानिए कि मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली इस दौरान में काम की मसूफियत की वजह से कि मैं यहाँ एक दिन के लिए भी आ सकता। अब आप पूछिए शजू से कि मुझे यहाँ आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आंटी वाकई बहुत ही मुश्किल हुई, खुदा की कसम जान पर खेल कर आए, और रिफा साहबा बाकायदा छुप कर। इसकी क्या जरूरत थी? मेरी समझ में नहीं आता कि इस कदर राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी समझ में भी आ जाए। ये तुमको नया बिजनेस सेटअप करने की क्या जरूरत थी?
भाई हमारे पास जितना है काफी है, खुदा का शुक्र है। आंटी वो जरा कुछ जाती किस्म का बिजनेस था, जोर किस पे हुआ? जाती पे। हाँ हमें भी बात दरअसल ये कि वो एक बहुत अच्छा चांस मिल गया। ओ यस आंटी, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस। रिफा साहब माफ कीजिएगा, कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी सेहत पर भी कुछ असर पड़ा है, आपकी नजर कुछ और कमजोर हो गई है। अरे साहब आपको देखकर तो चुंधिया जाती है। अच्छा ये बताओ ये सारे मामला कितने अरसे में तय होंगे? बस मम्मी जल्दी हो जाएंगे। और आंटी वैसे होने को एक लम्हे में हो जाए और ना होने को बरसों भी लग सकते हैं। बकवास मत क्या करो, मेरे मतलब कहने का मकसद ये है मम्मी कि वो मैं एक बाहर के फर्म के साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कौन सा तजुर्बा है, कहीं धोखा ना खा जाना, इससे तो मैनेजर साहब को साथ लेके जाओ। नहीं मम्मी खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, ये धोखा खाएंगे, ये धोखा खाने वाले नहीं है। और वैसे जो बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ही शरीफ। रिफा साहबा खुदा की कसम बिजनेस भी नंबर वन है, नंबर वन समझे। हाँ क्यों नहीं भाई, घर पे खाएंगे। और वैसे जरा मुरग़न ग़िज़ाओं का इंतजाम कीजिएगा, जोर किस पे हुआ? मुरग़न ग़िज़ाओं पर, हो सके तो नाश्तेदान भी साथ रख दीजिएगा। ओहो खुदा जाने तुम लोगों ने क्या सोचा है, कैसी बिजनेस है, कौन लोग हैं, मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है। मम्मी मम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपको शजू मम्मी को टेलीफोन कर दिया करेंगे ताकि मम्मी परेशान ना हो। राइट, राइट। और जैसे ही काम खत्म होगा हम फौरन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और खैर आफियत के साथ इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। अच्छा अब यहाँ से आप खिसकिए, जोर किस पे हुआ? खिसकिए पर। आइए आइए। तुम तो जी मैं जरा काम से गया था, बहुत जरूरी काम था, जल्दी मैं आपसे इजाजत ना ले सकता। ना लायक कहीं के निगम में काम से इस तरह जाते हैं, मगर वो सब तो कह रही थी कि आधी रात को कुछ लूटमार का सिलसिला। जी मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ बड़े साहब, आप तो जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। दरअसल मेरा एक लावारिस दोस्त बहुत बीमार था, उस गरीब का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह सेहत दे। अब क्या हाल है? जी फौत हो गया बेचारा। अरे फौत हो गया? आप कहाँ थे? फौत हो गया जी। ये नहीं मेरा मतलब है, खैर मैंने इसे काम से भेजा था बस। जी आपने काम से भेजा था? हाँ हाँ क्यों, क्या काम है? कुछ नहीं जी, वो सारा बाजी कह रही है कि आपके कल में नुस्खों में से कोई आधा बस करता हूँ। जमाली साहब प्लीज आप चलिए, मैं चल रही हूँ। आइए। कौन है? माफ कीजिएगा क़िबला, मैं इंतहाई शौक में बहके आ गया हूँ। गाय में बहकर आ रहे हो? कपड़े तो सूखे हैं तुम्हारे। जी बड़े साहब इनका मतलब है कि तो ये अपना मतलब खुद क्यों नहीं बयान करते? हुजूर मैंने ये चंद नायाब चीजें बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, इन्हें आपकी खिदमत में नजर करने लाया हूँ। इस किस्म के नामाकूल शख्स को मैंने पहले भी कभी देखा है? अजनबी दोस्त, हमें देख के हम कुछ तुझे याद दिलाने आए। दोस्त जमाली साहब प्लीज आप क्या, आप मेरे साथ चलिए, आप दादा बाप अपना काम करें, हम लोग जा रहे हैं। आइए आइए जमाली साहब। हुजूर इन चीजों को कबूल कीजिए, इनका आपसे बड़ा कदरदान कौन होगा। आप ये पंजे देख रहे हैं, ये उस परिंदे के हैं जिसका जिस्म रेजा रेजा होकर फजाओं में तहलील हो गया और पंजे पत्थर बन गए। और ये पत्थर ये
ये बाबुल और नैनवा की कहानी अपने अंदर दफन किए हुए है। और ये पत्थर, ये मेरी गली का पत्थर है। ये जुबान हाल से कह रहा है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अरे नामाखुर, ये तो बतख के बंदे हैं, ये कहां से उछल आया? हुजूर आप इनकी तौहीन ना करें, इन पे तो ये तमाम नवाद रात और 10 हरियल कुर्बान। क्या क्या क्या, तुम वही नामाखुन हो जिसने फरक साहब की शान में गुस्ताखी की थी? निकल जाओ यहाँ से फौरन। अरे निकल जाओ, तुम्हें इस घर में घुसने कौन देता है? वो दादा बाबू, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शानदार इंसान है। सदियों से ऐसा होता चला आया कि दरे महबूब पे गर्दनें करती चली आई। क्या बचे जा रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आप मेरी बात सुनिए दादा भाई, ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसी शक्लें नहीं देखना चाहता, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आप निकलो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, खबरदार है अभी इधर आओ, चलो चलो। दादा बस सुनिए तो सही। शेक्सपियर फरमाते हैं, नथिंग इज गुड और बैड थिंकिंग मेक्स इट सो, नथिंग इज गुड और बैड थिंकिंग मेक्स इट सो, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट Sing no sad songs for me. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. हाँ साहब, ये तो याद हो गया। हेगल कहते हैं, हेगल फरमाते हैं कि जिंदगी का मकसद मसरत नहीं बल्कि तकमील इंसानियत है, बल्कि तकमील इंसानियत है। जोर किस पे हुआ? तकमील नहीं, इंसानियत पे जोर हुआ, बल्कि तकमील। चलिए साहब, ये तो शेक्सपियर हो गया, और अब आते हैं हम गालिब पर। गालिब फरमाते हैं, हाँ अहले तलब कौन सुने ताने नायाब, माय गॉड, हाँ अहले तलब कौन सुने ताने नायाब, देखा कि वो मिलता नहीं अपने ही को खोआए, अपने ही को खोआए। जोर किस पे हुआ? खो आए पर, अपने ही को खो आए। अस्सलाम वालेकुम, आराम करता हूँ, तशरीफ रखिए। खाब से मिलने का इश्तियाक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बड़ा बड़ा, आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। मैं अभी आपके आने से कब हेगल के फलसफे के बारे में गौर कर रहा था। यकीन कीजिए सायरा साहबा कि हेगल ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानती कि आप कौन साहब हैं, और मैं अजनबी लोगों को अपना नाम इस तरह लेने की कभी इजाजत नहीं देती हूँ। आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम शुजात अली खान है, प्यार में शज्जू भी कहते हैं। जोर किस पे हुआ? कहते हैं पर। जी वो मैं ये कह रहा था कि शेक्सपियर ने क्या खूबसूरत बात कही है, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी। ये शेक्सपियर ने कहा है जी, आपको पसंद नहीं आया? ये शेक्सपियर ने हरगिज नहीं कहा है। ओ, तो फिर कीट्स ने कहा होगा। बाहर जी नहीं जी, ये कीट्स ने भी नहीं कहा है, ये क्रिस्टीना रोजेटी ने कहा है। जी जी हाँ, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात कही है। और जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, आप यकीन करें। वो देखिए ना, मैं तो कहता हूँ जब इतनी सी उम्र में ये आलम है तो बड़े होकर क्या करेंगे। जी जी, किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये यही अपनी अपनी क्रिस्टीना। हाँ तो मैं कह रहा था, मैं शेक्सपियर के बारे में बता रहा था आपको। क्या बता रहा था? वो शेक्सपियर जी, असल में ख्यालात के अजदाम ने मुझे इस कदर कंफ्यूज कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जी गॉट इट। हेगल ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी नहीं, हेगल ने जी हाँ, हेगल ने क्या खूबसूरत बात कही है, नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। आपका क्या ख्याल है हेगल के फलसफे के बारे में? शेक्सपियर, शेक्सपियर ही तो मैं भी कह रहा था, शेक्सपियर कितनी अच्छी बात कही है, यानी कितनी डीप स्टडी, आप जरा और कीजिए। मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया एक तरफ, अपना शेक्सपियर भाई एक तरफ। आपने किस किस को पढ़ा है? मैंने सबको पढ़ डाला। मसलन मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, और कीट्स को पढ़ा है, अफलातून को पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, सुकरात को पढ़ा है, और वो नेपोलियन को पढ़ा है, बोनापार्ट को पढ़ा है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पढ़ा है, कोलंबस को पढ़ा है। नेपोलियन, फ्लोरेंस और कोलंबस शायर, अदीब और फिलोसोफर नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, नहीं थे तो नहीं हुआ, मतलब गोली मारिए। हम गालिब की बात करते हैं, मीर की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है कि नीम बाज आंखों में शराबियों की सी कैफियत होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, आप अभी तक नहीं समझी? अच्छा तो हाँ, देखिए चाचा गालिब क्या कहते हैं, चाचा गालिब कहते हैं कि जिंदगी का मकसद मसरत नहीं बल्कि तकमील इंसानियत है। ये गालिब ने कहा है जी? ये भी नहीं कहा? हाँ, कमाल है, हालांकि उनको कहना चाहिए था। साहब गोली मारिए हम। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि शेक्सपियर, बराए मेहरबानी अब आप शेक्सपियर का नाम बिल्कुल मत लीजिएगा। जी आपको पसंद नहीं है क्या? आपने शेक्सपियर को पढ़ा है? अरे साहब आप क्या समझती हैं, मैंने उनकी हजारों किताबें पढ़ डाली।
सिर्फ तीन किताबों के नाम बता दीजिए। तीन किताब? तीन? जल्दी जल्दी। जी हाँ बताता हूँ बताता हूँ। देखिए ना, एक तो वो है, वो बड़ा भला सा नाम था, बाय गॉड इस जहन से निकल रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ। हाँ, जिसमें चुड़ैलों का जिक्र होता है। देखिए जी, अब आप शेक्सपियर का नाम हरगिज मत लीजिएगा, समझे आप? जी जी, बहुत अच्छा। और आपको किस हकीम ने कहा था कि इन मौजूदात पर बात करें? अरे साहब, आप कमाल कर रही हैं, पूरे दो घंटे से तैयारी कर रहा था, आपको पता नहीं है। और ये किताबें देख रही हैं? देख रही हैं? इस कदर खूबसूरत जुमले निकाल निकाल कर याद किए थे और आपने दो मिनट में सारा चौपट कर दिया। जो किस पर हुआ? चौपट पर। आखिर आपको बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? लेकिन सारी गड़बड़ पैदा कर दी। अब मुझे ये भी याद नहीं रहा कि कहां कहां और किस किस पे मैंने जोर दिया था और कौन शायर था, कौन अदीब था और कौन। बहुत खूब, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं कल फिर याद करके आऊंगा पक्का। जोर किस हुआ? पक्के पे। क्या समझती हैं आप? आप ये ना समझिएगा कि मैं हार जाऊंगा, समझ गई? कल आप इसी वक्त यहीं पर मौजूद रहिएगा, मैं कल फिर आऊंगा। हाँ, और हाँ, आप पर मैं साबित करके रहूंगा कि मैं शेक्सपियर पर बोल सकता हूँ या नहीं। जी आप क्या समझती हैं, ये दर्जनों लोग जो शेक्सपियर पर बोलते रहते हैं, क्या इनको, क्या इन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा होता है? जोर किस पर हुआ? खून पे। सलाम अलैकुम। न दीद है न सुखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हिलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है। खैरियत तो है जमाली भाई? शायद वो बुरा मान गई है, शायद मुझे उनके पूछे बगैर दादा बा के पास नहीं जाना चाहिए। अरे वाह वाह, इन मामलात में लड़कियों से कौन पूछता है? शायद आप कल के वापस से बददिल हो गए। खुदा जमाली भाई, आपकी जगह अगर मैं होता तो यूं मुंह लटका के बैठने के बजाय कोई तरकीब सोच रहा होता। खादिम, हम मोहब्बत के लिए जान नजर कर सकते हैं, साजिश नहीं कर सकते। अजी कर क्यों नहीं सकता, खूब कर सकते हैं। जमाली भाई, आजकल मोहब्बत दिल से नहीं दिमाग से की जाती, समझिए आप? खुदा के लिए मुझे और परेशान ना करो, एक तरकीब बताओ। ना 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 ना, तुम रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे खलूस का, मगर आज तक तुमने जितनी भी तरकीबें बताई हैं वो सारी। ओ जमाली भाई, ये बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा है, 100% कामयाबी का जामिन, समझे आप? देखिए, आपकी मोहब्बत में एक ही चीज हायल है ना, और वो है दादा अब्बा। नहीं नहीं नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकता। बखुदा ये नामुमकिन है। मैं आपसे कत्ल करवाऊंगा, आपसे मकतूल लगते हैं शक्ल से आप। वो तो दूसरी बात है। सुनिए, चोरी करनी आती? चोरी? तो तुम्हारा मतलब है चोरी? वो मेरा मतलब है चोरी। आपको यहां से एक कीमती चीज ले जानी होगी उठा, समझे? मैं बदल करूं। यानी क्या हुआ? नामुमकिन। ओ जमाली भाई, आप तो सतह समंदर से बहुत बुलंद रहते हैं। बात सुनो, बस मुझे आपकी शक्ल देख के तरस आ जाता, मतलब मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि मैं अपना कीमती वक्त आप पे जाया करूं, अपनी जान मुसीबत में डालूं। बात सुनिए गौर से, आप अगर दादा अब्बा को मरूब कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज से। ना 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 फादर, बस तुम रहने दो। जमाली भाई, मेरी बात और से सुनिए, पहले यहाँ आराम से बैठ जाइए और बीच में मत बोलिएगा, समझे? आज रात 12 बजे के बाद आप यहाँ बड़े साहब के कमरे की खिड़की के नीचे आके सीटी बजाइएगा, हैं? मैं मैदान साहब देके सीटी बजाऊंगा, आप खिड़की से कमरे में आ जाइए। खिड़की से? अच्छा अच्छा। हाँ, और कमरे में आकर एक कीमती चीज उठाकर दो चार चीजें गिरा के जल्दी से फौरन भागिएगा, हैं? मैं बड़े साहब को जाके बताऊंगा, हम दोनों आके कमरा देखेंगे, एक कीमती चीज गायब होगी, बड़े साहब पर कयामत पड़ेगी। उस वक्त आप एक हीरो की तरह से वो चीजें उठाए थे, परेशान हाल, जख्मों से चूर चूर। सिर्फ ऐसा मालूम होगा हुजूर वाला, आके बड़े साहब को बताएंगे कि चोरी चीजें लेकर जब भाग रहा था, आपने उसे पीछा किया, उसे पकड़ लिया, उसे मार मार के अदमो किया और वो चीजें छीन कर ले आए। कैसा है ये? मैं करूंगा। तो तुम नहीं कर सकते? मेरा मतलब है ले जाने वाला काम। अजी मैं तो बाकी का भी सारा काम कर सकता हूँ अंजाम तक, और आपसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। अरे इतने बुजदिल थे तो इश्क करने क्यों चले थे? खमा खा लेके मेरे इतना बाप जाके छोड़िए जी। खादिम खादिम नाराज मत हो, मैं कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। वादा वादा। कितनी हसीन रात है, भीगी भीगी, मोतर मोतर, मोतियों की तरह बरसती बूंदे। पता नहीं जमीन की खिड़की कौन सी होती है।
उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि मैं यहाँ। काश क्यों नहीं मालूम, कितना कुर्बे यार का एहसास है। बताया भी नहीं कि सबसे कीमती चीज कौन सी। ओ, ये जरूर नहीं, ये पत्थर नहीं नहीं नहीं, आ ये किताबें, यही सबसे कीमती शय है जो अमर हो गई है, जो अब तक के लिए मुंजबित हो गई है। काश कि मैं भी फिराना मिस्र के जमाने में जिंदा होता, उस पुरसरार और अफसानवी माहौल में। ओह, देर हो रही है, मैं इसे ले जाऊं। दोस्त माफ करना, तुम्हारी तौहीन तो है मगर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बहुत भारी ना करें, बच जाएंगे ये। जमाली साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अरे अरे मिस साहिबा, मिस साहिबा क्या कर रही हैं? ये आपको देख रही हैं कि हालत। तुम हट जाओ खादिम, मुझे इनसे ये पूछना है। हट कैसे जाओ, मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है एक दिन कि आपको जवाब देने के काबिल नजर आ रहे हैं। ये कभी नहीं मान सकते कि जमाली साहब आधी रात को इस तरह हमारे घर क्यों आए। आप कमाल कर रही हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इनको नींद में चलने की आदत है, इसलिए। तुम्हें इनके बारे में सब कुछ कैसे मालूम है? आदमी समझदार हो थोड़ा बहुत मालूम हो ही जाता है। ओ, मेरा सर फट रहा है, मेरा दिल। ओ सबर, सबर सबर करें मेरे भाई, सबर करें, इस मर्ज में यही होता है। क्या क्या, कौन सा मर्ज? क्या आपको ये मरीज नजर नहीं आ रहा? जल्दी से चाय पी। चाय मैं कभी नहीं मान सकती कि ये नींद में तेज बारिश में 2 मील पैदल चलकर यहाँ तक आ गया और इनकी आंखें नहीं खुली, खिड़की में से कूद कर इन्हें आगे आंखें नहीं खुली। तो आप मुझ पे क्यों खफा हो रही हैं? मुझे क्या गैब का इल्म आता है? इनसे पूछिए इनकी आंख से। और नींद में चलते हुए इन्हें दादा अब्बा के कमरे में ही जाना था। तो आप क्या चाहती है, किस कमरे में जाती है? खादिम। तो ठीक है, अभी आप कभी के कमरे में तो कूदने से रहे। तुम चुप रहो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो सवाल पे सवाल की जा रही है। तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानती? अरे मैं मालूम करके छोड़ूंगी कि आखिर इन्हें वहाँ किसने भेजा था। अरे वाह वाह, तो जैसे ये बच्चे हैं ना, किसी ने भेज दिया और ये चले गए। इनकी अपनी ज़ाती अकल तो कुछ है नहीं, पढ़े तो हैं, यहाँ से पता पूछ लीजिए। और अब जो मैं बोलूँ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जा रहा हूँ मैं। मुझे चोर का बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मेरा दिल। सबीन बेगम, खुदा के लिए मेरा दिल डूब रहा है, डूबा जा रहा है। आज इस दिले बेताब के अंदाज ही कुछ और है। जमाली साहब, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर आप क्यों? मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसा लगता है जैसे ये नामुराद दिल आज, आज मैं तो आपसे ये पूछिए पूछिए और पूछिए, आज बचने ना पाए। तो मैं जरूर पूछूंगी, आखिर इन्हें दादा अब्बा के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? बेहोश हो गए, उधर तो देखिए जरा। अजी वो लख 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 मांगना, वो कभी चुप रहो, चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर तो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं जी छोड़िए, डॉक्टरों को दिल के मामला का क्या पता। तुम बाज नहीं आओगे तो आप मुझको क्यों डांट रही हैं? इनसे कहिए ना
तो दिल के हाथों मजबूर होकर जाने क्या क्या करते फिर रहे, कभी बतखे पकड़ रहे, कभी पत्थर चुन रहे, कभी दूसरों के घरों से फूल चुन चुन के लेके आ रहे और आधी रातों घरों में घुस रहे। सुन रही है? तुम चुप रहो, तुम चले जाओ यहाँ से बस। मुझी को डालती रहती है, जा रहा हूँ मैं। मुझे इस किस्म की फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं ये कभी यकीन कर सकती हूँ कि जमाली साहब इस हद तक गिर सकते हैं। अर्ज किया है, लो वो भी कहते हैं कि ये बेनांगो नाम है। मार तेरी सूरत पर फिटकार पीटे, क्यों मेरी जान का दुश्मन हुआ? क्या जान ही लेकर रहेगा? तुम्हारी जान कहीं नहीं जाती, इसी बटवे में बंद है। तो तेरे कलेजे में क्यों नाशूर हुआ जावे है, जब देखो मेरे बटवे पर तेरी नजरें लगी रहे हैं। अरे ये ना दिखता, खून पसीना एक करके चार पैसे जोड़े हैं, एक एक कमबख्त ने दम निकाल दिया। अरे अक्का बुआ, तुम्हारे कोई आगे ना पीछे, ये दौलत किसके लिए छोड़ जाओगी? ऐसा करना कि मेरे नाम लिख जाना। जा दफान, खुशामदी कहीं का, बड़ा मुझे आराम देवे है ना जो मैं अपना माल तुझे दे जाऊंगी। अरे तो क्या साथ लेकर जाओगी? ईमान से चोर कबर में भी परेशान करेंगे। मुंह में खाद, किसकी कबर की बात करे है, मैं तो अभी जिंदा बैठी हूँ। अरे मैं तो समझा रहा हूँ कि बोझ हल्का कर लो, वैसे भी तुम्हारा पुल सरात पार करना जरा मुश्किल ही है, और अगर ये 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 बोझ साथ हुआ क्यों शाम आई है तेरी? वही मसले के अमिटा जान को ही आ गया, फिर कुछ कह दूंगी तो बिसूर ने बैठ जाएगा। हर वक्त डांटती रहती हो, कभी प्यार से भी बोल लिया करो। देख करीम, मेरा वैसे ही भेजा हिले, अगर अब तूने बकवास की होगी तो जूती उतार के हजार लगाऊंगी और गिलूंगी एक भी। हाँ आप है? मेरा मतलब है, गई नहीं थी। आए लाडली बेगम, आप कब आई? अरे मैं तो कभी पलट कर रहा थी, मैंने सोच लिया था कि सारा मर गई मेरी तरफ से, मगर क्या करूं, ये निगोड़ा खून है जोश में आ जाता है। खैर अब तुम आ ही गई हो तो जो कुछ करना है जल्दी कर डालो। अरे मैं मिट गई तो किसी गिनती में हूं ना, जबान पे ताले पड़े रह गए हैं, मगर एक बात कान में डाले दूं, अब जो कुछ करना है उसमें देर मत कीजो। अरे इसी का इंतजाम करके आई हूँ। अरे मैं देखती हूँ कि सुबह से शाम तक यहाँ दसियों लड़के मारे मारे फिरते रहते हैं। भाई लड़कियों का क्या है, लड़कियां तो बोली चिड़िया होती हैं, जो नजर के सामने रहा अरे भाई वो आ गया नजर में, इसीलिए शकूर को लेकर आई हूँ। सच कहियो? हाँ कि चार दिन नजरों के सामने रहेगा, फिर पूछना साहरा से हाल। तो यूं कहो कि लड़का भी साथ। अरे करीम जी, जा शाबाश, चा लेकर और बेटा कोई मीठी चीज भी साथ रखता ले जा। अच्छा जी, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेले हूँ, अपने नाम की एक हूँ। बाहर बैठा है। अरे माशाल्लाह, लड़का बहुत दिखब्बे में आया है, तो अंदर बुलाओ, मैं भी तो देखूं। हाँ हाँ जरूर देखना, अभी लेके आती हूँ। निकोल शर्मा का बहुत है। हाँ आपकी मैं सारा काम करके जाऊंगी। आई शकूर, आए क्यों नहीं बेटा, क्या शर्मा गए? तो मैं तुम्हें बहुत शर्माती, चलो भाई अंदर चलो। आओ आई शकूर, कहाँ हो, चलो देखो। हाँ यहाँ आओ, बस शर्माया ना करो भाई, अच्छा नहीं लगता। चलो शर्माने की कौन सी बात है, सलाम करो। ये है आपका बुआ। सलाम अर्ज कर रही हूँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, इस कदम नहीं शर्माते हैं। आपका बुआ, ये है लड़का शकूर। ये लड़का है सारा भी के लिए है। अरे बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। मैं कह दू हूँ लाडली बेगम, जो सारा कयामत ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। वो आप कयामत क्यों करेंगी? और भाई कोई मैं उनके कयामत से डरती हूँ? अब इसका मौका ही नहीं आने दूंगी। ये खाला जी, ओ खाला जी। हाँ बातचीत तो कर ही लेना और फटाफट करना, कसम अल्लाह की दो दिन भी दुकान पर ना जाऊं तो सारा धंधा चौपट हो जाता है। आप परचून की बहुत बड़ी दुकान है मोहल्ले में माशाल्लाह से। हाजी अल्लाह का दिया सब कुछ है, आटे दाल की कमी नहीं है, कसम अल्लाह की मजे कर रही हूँ। अरे मेरा तो न जाने क्यों जी बोला जा रहा,
जरा सा खमीरा चाट लूं कि दिल ठिकाने पे आ जाए। अच्छा तो मैं भी अंदर ही चलती हूँ। शकुर बेटा, अरे नहीं तुम नहीं, तुम बेटा यहीं बैठो, मैं जरा लड़कियों से भी मिल लूं। अच्छा और क्या। सलाम अर्ज कर रही हूँ पहलवान। वालेकुम सलाम, अर्ज कर रहा हूँ पहलवान, लेकिन जनाब का जो जोग्राफिया। मैं एक चाय तो पीला गर्मा गर्म, और जरी मलाई भी डाल देना उसमें, और चीनी जो है ना खड़ा चमचा। जानना पहचान बड़ी खाला सलाम। मैं शकूर हूँ, मैं शकूर, समझे को। अरे बाप रे बाप, तुम शकूर हो। और क्या, मेरी परचून की दुकान है मेरे चांद। अरे वही, हमें तो तुम कहां जान टपके। हम वर्दी कवे के लिए आया हुआ हूँ। अमा प्यारे, एक बात तो बता, ये मामला पड़ जाएगा। अमा हाँ, आहिस्ता बोलो, अगर अंदर आवाज पहुंची तो कयामत आ जाएगी। मैं तो चला। अमा तुम बेशक चाय पीते रहो, लेकिन अगर खैरियत चाहते हो तो रवाना हो जाओ। अमा ए भाई, ए बटलाल, हैश। अमा वाह, पूरे 30 रुपए खर्च करके आ रही हूं, अब तो परसों ही जाऊंगा। आइए आइए, सलामी शौकस कर रही हूं। कौन है आप? मैं अभी हिसाब किताब हुआ नहीं है जी, जब हिसाब किताब हो जाएगा तो तब बता सकता हूँ कि माल अपना है या पराया। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सौदा पट गया तो सब कुछ हो, और अगर नहीं पटा तो कसम अल्लाह की। एक बात बताइए, मैं आपको कैसा लग रही हूँ? नहीं नहीं, जरा गौर फरमाइए। आप करीम के पास आए हैं? अजी नालक भेजिए करीम पे, मैं तो 16:15 ने आप ही के पास आया। खुश हो तो है आप? ना ना, वैसे आप अच्छी तरह छान पटक करके देख ले, ये मेरा भी उसूल है कि माल उठाने से पहले पूरा इत्मीनान कर लेता हूँ। अगर तोले दो तोले की कसर भी रह गई ना तो घाटा हो जाता है। और वैसे भी जी, एक दफा का खरीदा हुआ माल वापस तो नहीं होता ना। अल्लाह, यहाँ तो अजीबो गरीब लोग आने लगे हैं। मैं आपके पास करीम को भेजती हूँ। सुनिए, जरा तशरीफ रखिए एक मिनट। अरे कौन है आप, आखिर तुम हो कौन? जी वो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं कैसा हूँ। सूरज शक्ल में बस तोले दो तोले की कसर रह गई है, और दुकान पे बैठने से जरा पेट बड़ा हो रहा है, नहीं तो नंबर वन दाना होता कसम अल्लाह की, मुंह मांग के दाम रखते। वैसे मुझे खाला जी ने बता दिया था कि आप गुस्से की जरा तेज हैं। ये भी आप सुबह सवेरे नहार मुंह ठंडाई क्यों नहीं लेते? कोई बात नहीं जी, मैं तो नरम गरम सारे ग्राहकों को निमटाता ही रहता हूँ। खाला कह रही थी कि आप जो है ना, खाला खाला लगा रखिए। तुम्हारी खाला अगर यहाँ क्या कर रही है? अजी वो खाला तो आप ही की है ना, वो अंदर मामला तय करने गई है जी। मामला? हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इतना माल तो नहीं है, लेकिन कसम अल्लाह की भूखा किसी को नहीं रखूंगा। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, आटा, दाल चावल की बोरियां की बोरियां रखूंगा। की दुकान तो नहीं करते हो जब? हाँ जी। क्या तो परचून वाले हो? हाँ जी वही हूँ। सारा बाजी कसम अल्लाह की, खाला कह रही थी लो ही लो, मिजाज क्या है, गर्म मसाला है। मियाँ शकूर, ये मामला पटता नजर नहीं आ रहा मुझे। वो बड़े साहब, वो अख्तर आलम साहब के वकील आए आपके पास। आइए तशरीफ लाइए। आदाब करता हूँ किबला। अख्तर आलम साहब ने आपको सलाम कहलवाया है और कहा है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, वरना वो खुद मौजूद होते इस वक्त। बहरहाल वो 2-4 दिन में आपसे मुलाकात के लिए आएंगे। ये जरा आपसे दस्तखत करवाने हैं। फिर कभी सही, मैं इस वक्त जरा मसरूफ हूँ, ये मिस्री तहरीर। माफी चाहता हूँ जहमत की, ये दस्तखत आज ही मिल जाने चाहिए। आपको तो इल्म है कि अब हालात क्या है। हाँ जानता हूँ। ओहो, आपको अंदाजा नहीं है किबला के आप। देखिए बात यह है कि अब मामला काफी सीरियस हो गया है। लाइए, कहाँ दस्तखत करना है, जल्दी करें, मुझे हजारों काम है। आप इसे एक दफा पढ़ तो लीजिए। ठीक है, ठीक ही होगा। बड़ी मुश्किलों से 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, अगर इस सस्ता में कुछ इंतजाम हो गया तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि ये सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा हाँ, वो अख्तर साहब ने एक रुक्का भी दिया है आपके नाम, ये ठीक है, रुक्के की क्या जरूरत है, मैं सब जानता हूँ। ये बात नहीं है, बात दरअसल ये है किबला के उन्होंने आपकी बच्ची सबीन का रिश्ता अपने लड़के से मांगा है। क्या? भाई साहब मेरे ख्याल में इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, और मौजूदा हालात में तो आपके लिए इससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। जाहिर है अख्तर साहब के सामाजिक मर्तबे के लिए आपका नाम और आपका खानदान बहुत अहम होगा।